गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर रश्मि वोहरा मणिपाल हॉस्पिटल से आईवीएफ कंसल्टेंट। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंडोमेट्रियोसिस के ऊपर। व्हाट एंडोमेट्रियोसिस इज़ एंड व्हाट आर द ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ अवेलेबल। तो एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है? जब बच्चेदानी की जो लेयर होती है वो ओवरीज़ में या फिर जो खून की गांठें हैं जो ओवरीज़ में या फिर हमारे पेट में इकट्ठी हो जाती हैं, उसको हम एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। तो एंडोमेट्रियोसिस एक बीमारी है जिसको कि हम अगर ऐसे समझाएँ कि इसमें जो खून की गांठें हैं वो हमारी बच्चेदानी के अलावा कहीं और इकट्ठी हो जाएँ, जैसे या तो वो अंडेदानी में इकट्ठी हो जाएं या पेट में इकट्ठी हो जाएं या कहीं भी और, उसको हम एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। तो ये प्रेजेंट कैसे करती है? यूजुअली एंडोमेट्रियोसिस प्रेजेंट करती है पेनफुल पीरियड्स के साथ। पेशेंट टिपिकली हिस्ट्री देता है कि उसके जो पीरियड्स हैं वो बहुत पेनफुल हैं और जो पेन है वो पीरियड्स आने से पहले शुरू हो जाता है और वो थ्रू आउट मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है, जो कि उसका नॉर्मल वर्क, कॉलेज जाना, उसका नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़, ये सब चीज़ें अफेक्ट करता है। तो ऐसे केसेस के बीच में एंडोमेट्रियोसिस एक कंडीशन हो सकती है। कितना कॉमन है एंडोमेट्रियोसिस? 1 in 10। जैसे अगर 10 वुमेन हैं उनमें से 1 वुमेन को एंडोमेट्रियोसिस की शिकायत हो सकती है, जो कि माइल्ड भी हो सकता है और सीवियर भी हो सकता है। और कैसे एंडोमेट्रियोसिस प्रेजेंट कर सकता है? जैसे कोई इनफर्टिलिटी के साथ प्रेजेंट करता है एंडोमेट्रियोसिस, पेशेंट मैरिड है, मोर देन 1 year हो गया उसको ट्राई करते हुए कंसेप्शन के लिए, बट शी इज़ नॉट एबल टू कंसीव। सो इनफर्टिलिटी इज़ वन ऑफ द थिंग्स जिसके साथ कि एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोज हो सकता है। हो सकता है उसको कोई भी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम ना हो, कुछ भी प्रॉब्लम ना हो और डायरेक्टली ड्यूरिंग द इनफर्टिलिटी वर्कअप एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोज हो। कभी कभी पेशेंट बिल्कुल एसिम्टोमेटिक होता है लेकिन स्टिल उसको एंडोमेट्रियोसिस होता है। तो उसको डायग्नोज कैसे करना है? यूजुअली एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोज होता है अल्ट्रासाउंड से। डायग्नोज हो सकता है अगर वो अंडेदानी में हो, जिसको हम एंडोमेट्रियोमा बोलते हैं। लेकिन मोस्टली एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोज होता है दूरबीन के थ्रू, लैप्रोस्कोपिकली डायग्नोज होता है एंडोमेट्रियोसिस। इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट होता है जैसे अगर हम लैप्रोस्कोपी कर रहे हैं तो उसी टाइम जहाँ जहाँ हमें एंडोमेट्रियोसिस दिखा है उसको हम डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उस टिश्यू को जहाँ जहाँ पर वो ब्लड कलेक्टेड है उसको हम वहीं की वहीं ख़त्म कर सकते हैं। बाकी कुछ मेडिसिन्स पे डालना पड़ता है पेशेंट को, कुछ हार्मोनल ट्रीटमेंट्स होती हैं और इनफर्टिलिटी के लिए देयर आर मैनी मेथड्स फॉर एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट, जैसे कि IUI से कंसीव करना, और अगर IUI से नहीं होता है तो ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़, जिसको कि हम IVF भी बोलते हैं। IVF से पेशेंट कंसीव करता है एंडोमेट्रियोसिस के बीच में। तो एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी एक प्रोग्रेसिव बीमारी है, तो इसको अगर हम एक बोलना चाहें कि एक प्रोग्रेसिव बीमारी है। इसके बीच में कि पेशेंट को इग्नोर नहीं करना चाहिए जब उसको पेनफुल पीरियड्स हैं। अगर पीरियड्स कुछ नॉर्मल मेडिकेशन से भी नहीं ठीक हो रहे हैं, जैसे नॉर्मली हम मेफ्टल स्पास पेशेंट को देते हैं, अगर उससे भी पीरियड्स में पेन ठीक नहीं हो रहा है तो पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस की शिकायत हो सकती है। और ऐसे केसेस में उसको हॉस्पिटल जाना चाहिए कि वो एक्सेसिव पेन का रीज़न क्या है और उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और अगर उसको कंसीव करने के बीच में प्रॉब्लम हो रही है एसोसिएटेड विद पेनफुल पीरियड्स, तो उसको एंडोमेट्रियोसिस की शिकायत हो सकती है। एंड दैट पर्सन कैन विजिट आवर हॉस्पिटल मणिपाल हॉस्पिटल, और हम यहाँ पर एंडोमेट्रियोसिस की ट्रीटमेंट करते हैं। थैंक यू।